सॉरी, देखो सामने गाड़ी है अपने। मौसम आज भी बढ़िया हो गया भाई, बरसात का। कल धूप थी, आज बढ़िया मौसम हो गया गाइस। ये देखो मस्त मौसम हो गया है। वो भाई कितने सारे तार दिखे यार ऊपर हैं, देखिए आसमान नहीं दिख रहा, तार तार नजर आ रहे सिर्फ। भाई इधर बैठा है अपना भाई शेखर। आज शेखर से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। शेखर क्या हाल चाल? और याद नहीं आती उसकी? झूठेगी है, झूठेगी। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं आ गया आज होटल जगह पे, बहुत दिन बाद आया हूँ। आज शेखर से भी आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई मेरी। मैं कहा शेखर के पास चल रहे, वही थोड़ी देर शेखर के पास बैठेंगे। शेखर और ने आजकल दिमाग लगा रखा है, ऑनलाइन धंधा कर रहे हैं भाई। ऑनलाइन कर लिया इन्होंने, तो ऑनलाइन बिजनेस इनका बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा चलो बढ़िया है, तो भाई हम भी सोचेंगे कुछ जैनो होटल के लिए ऑनलाइन का सिस्टम। उससे क्या होता है कि बढ़िया चलता है काम। बाकी गाइस आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, लाजवाब मौसम हो रखा है। आज का सीन क्या था? आज का सीन ये था, आज मैं बताऊँ, आज मैंने सीन ये बना रखा था। पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वही केड सनी। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था आज शेविंग करवाऊंगा, क्योंकि भाई शेव मेरी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, और यार कहीं पर ना कहीं कहीं ना कहीं वाइट बाल आ रहे हैं शेव में। तो भाई ये भी हट जाएंगे, इन्हें छुपाने की सोच रहा था कि आज कटवा लूँगा शेविंग, ठीक है। लेकिन मैंने सामने देखा अपने शहजाद भाई तो आए ही नहीं, शहजाद भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रखी है शायद, इसी वजह से वो आजकल आ नहीं रहे। जिस दिन मैं सोचता हूँ ना उसी दिन बारिश हो जाती है। आज मैं सोच रहा था बाइकें निकालेंगे सारी की सारी, और एक ब्लॉक सब बाइकों का बनाएंगे, ठीक है। जितने भी राइड, जितने भी अपने भाई लोग हैं सबको कह देता कि भाई बाइकें चलाएँगे आज, ठीक है। लेकिन बरसात होगी, अब बरसात में क्या होता है स्पोर्ट्स बाइक का, इनके पीछे का जो टायर होता है ना वो छींटे मारता है पूरे कपड़ों पर। तो भाई अब इसके लिए पूरे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। मैं सोच रहा था अच्छी खासी धूप होगी, उसमें बढ़िया विजुअल वगैरह आएंगे, बढ़िया फुटेज आएंगे। वैसे बरसात में भी मज़ा आता है, लेकिन बरसात में आता है मज़ा तब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं ना, तब मज़ा आता है। अब छोटी मोटी ड्राइव करेंगे उसमें हम गंदे ही हो जाएंगे बारिश में, और कुछ नहीं। इतनी तेज़ नहीं है बारिश, है थोड़ी बहुत है, लेकिन जैसा भी होगा देखते हैं, बनाते हैं प्लान। शेखर भाई बैठे हैं, देखो शेखर भाई ने अब मुझे लगे जिम में स्टार्ट कर दी है, दिखाना डोला दिखा देते हैं। अभी शर्मा रहा होगा, अभी कह रहा अभी थोड़ी सी 22-23 का हो रहा, अभी थोड़ा 18-19 का होगा भाई, ज़्यादा हैवी होगा ना डोला उसका। तो भाई बाहर हो रखी है बारिश, और भाई मुझे भी आ रहा है इस पर लालच बाहर निकालते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी बरसात बरसात में गंदी हो। तो जब बारिश वगैरह रुकेगी तभी इसे चलाएंगे। बाकी आज मैं आज इसकी आपको आवाज़ सुना देता हूँ, क्योंकि आवाज़ के मामले में भाई ये बहुत फेमस है। इसमें एक विसल निकलता है, और वो विसल जो है इसी बाइक में निकलता है या H2 में निकलता है। थोड़ी सी आज आपको आवाज़ सुना देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। पहले से कूल्ड स्टार्ट कर लेंगे हम। कूल्ड स्टार्ट, तो थोड़ी देर से कोल्ड स्टार्ट रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रंट से क्या मस्त लुक आता है, ज़बरदस्त लुक आता है बाइक का। जब भी आप बाइक स्टार्ट करो ना, तो थोड़ी देर इसे कोल्ड स्टार्ट करके रखना, एकदम रेव मत देना, क्योंकि एकदम रेव देने से ना बाइक के इंजन पे बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ी देर स्टार्ट, 2-3 मिनट 4 मिनट इसे स्टार्ट करने के बाद फिर इसमें रेव देंगे, ठीक है। फिर सुनाता हूँ उसकी आवाज़। तो कैसी लगी गाइस आपको इसकी आवाज़? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ है इसकी। मतलब मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ जो होती है ना, वो खाली इनलाइन 4 की आवाज़ आती है, और इसकी आवाज़ में एक विसल आती है अलग से ही।
वो जो विसल है ना वो दो ही बाइकों में होती है, तो ट्रम्प में होती है या होती है वो H2 में। तो इसकी ये खासियत है, इस बाइक की ये खासियत है। तो एक मेरा जो लेने का कारण है ना इसका, ये था कि इसकी विसल बढ़िया लगती है, इस वजह से मैंने ये ली है। कैसी लगी आपको आवाज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। हेलो भाई, देखो मौसम कितना मस्त हो रखा है, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, देख रहे हो आप लोग। और भाई हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं ये बताना भूल गया आपको कि ये अभी स्टॉक साइलेंसर है। अगर इसमें हम एग्जॉस्ट बाहर का लगाएंगे ना, मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लेके लगाएंगे ना, तो भाई इसकी आवाज़ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल तो नेक्स्ट ही लेवल हो जाएगी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी विसल कम आएगी और लाउडनेस ज़्यादा आएगी, ठीक है, एग्जॉस्ट की। तो इसलिए मैंने अभी इसमें कोई एग्जॉस्ट लगवाया नहीं है, अभी मैं इसका स्टॉक ही लगा रहने दे रहा हूँ उसमें। और इसका एक एग्जॉस्ट है जो कि बहुत ही डिफरेंट मिलता है, उसमें मुझे किसी ने बताया है कि शायद उसमें विसल की आवाज़ आएगी और प्रॉपर बाहर की लाउडनेस जितनी होती है वो भी आएगी। तो वो पता करेंगे, अगर वो वाला मिल गया ना तो वही वाला एग्जॉस्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपको इसकी आवाज़, मुझे तो इसकी आवाज़ ही जो इसकी मेन जो मेरा इसका लेने का कारण था ना इस बाइक को, तो वो सिर्फ यही था कि इसकी जो आवाज़ है ना वो आवाज़ ही बहुत ही डिफरेंट लेवल की है भाई, सच में बहुत डिफरेंट लेवल की है। नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक जैसी इसकी आवाज़ नहीं होती है, बहुत डिफरेंट लेवल की आवाज़ होती है, ठीक है। बाकी अभी मौसम के मज़े लोग आए, मौसम हो रखा है बहुत ही बढ़िया। और अभी मैं होटल से घर पे गया था, घर से मैंने आपको बाइक की आवाज़ सुनाई, अब मैं जा रहा हूँ फिर से जैना होटल पे, जैना होटल पे नहीं, अब मैं जा रहा हूँ कैनाल व्यू पे, कैनाल व्यू पे चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा मौसम हो रखा है थोड़ा बहुत घूमेंगे, ठीक है, और जो भी कुछ होगा वो आप लोग देख लेना। सो भाई फाइनली आ गए अपने ऑफिस पे, और वो खड़ी गाड़ी अपनी, अभी गाड़ी मैंने 2-3 दिन पहले धुलवाई थी, बढ़िया पॉलिश वॉलिश लगवाई थी, लेकिन बारिश में फिर ख़राब हो जाएगी है। अब क्या कर सकते हैं, देखो धीरे धीरे बूंदाबांदी पड़ने लगी उसको बढ़िया। देख भाई बस सैफ आके देखा किस तो लेटा है, देख रहा ये है इसका रूटीन, इसका रूटीन है जो कि मैं अब तुझे दिखाना चाह रहा था कि ये रूटीन है। देख इसका ऑफिस का काम को निपटाया इसने सुबह ही जल्दी फटाफट, और बिस्तर पे वो आके इस तो लेट जा, बस गाना गाना रह गया इसका वो, मुझे प्यार करो तो मुझे प्यार करो बस साहब देख लियो, देख ले कैसे लेटता। काम निपटा लिया भाई, काम निपटा लिया, बारिश हो रही है। सो गाइस अभी देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, फर्स्ट क्लास। और मैं टर में जा रहे हैं थार रॉक्स देखने, क्योंकि अभी पता लगा है कि थार रॉक्स आ गई यहाँ पर और उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह हो रखी है, तो लेनी तो है नहीं हमें, टाइम पास करने जा रहे हैं। कहना मैट का है, मैट हाँ बस हमें तो वही लेनी है। कौन सी बता रहा था मैं, कौन सी? अरे यार पजेरो, 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 सैफ को पजेरो पसंद है तो बजारों ही लेंगे हम तो कोई, लेकिन ये है कि थार देख लेते हैं एक बार कैसी है कैसी नहीं है। अभी पता लगा है कि भाई यहाँ पे आ चुकी है थार नई वाली ना, तो देख लेते हैं, अगर टेस्ट ड्राइव का सीन बन गया तो टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे, और देखते हैं भाई क्या फीचर्स वगैरह दे रखे हैं उसमें और कितने बंदे आ सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो भी कोई गाड़ी प्लान करेंगे तो ऐसी प्लान करेंगे जिसमें 7 से 8 बंदे आ जाएँ आराम से, ठीक है। ग्रुप में हमारे 3-4 बंदे ही बचे, हम 3 ही बंदे हैं भाई ग्रुप में, मैं हो गया तू हो गया भाई व्हाट्सएप हो गया, 3 ही बंदे हैं ग्रुप में। और भाई अब कार चाहिए हमें बड़ी, लेकिन भाई ऐसा है आ जाता है कोई इधर से आ जाता है कोई इधर से आ जाता है, मतलब आसपास में रहते ही हैं सब, तो कुछ ना कुछ सीन बन ही जाता है। तो अब की बार अगर कोई गाड़ी लेंगे तो बड़ी गाड़ी लेंगे, ऐसा कोई सीन मैंने सोच रखा है। बाकी अभी ऐसी कोई गाड़ी आ नहीं रही जिस पे एकदम से दिल आ जाए कि हाँ भाई ले लो इस गाड़ी को, ये ले लेनी चाहिए टाटा 407 भाई देखो मैं सच बताऊँ, मैं तो सोच रहा था पहले नई वाली बोलेरो लेने की और बोलेरो को मॉडिफाइड करने की सोच रहा था, पूरी के उसे फुल्ली मॉडिफाइड करूँगा, लेकिन यार बोलेरो बोलेरो है। अब सुना है मैंने कि 2025 में कोई बोलेरो आ रही है जो अपडेट कर दी इन्होंने,
बहुत ज़्यादा अपडेट कर दी। सुना भाई मैंने ऐसा सच में, जैसे थार इन्होंने अपडेट करी ना, ऐसे नई वाली बोलेरो अपडेट कर दी और उसकी लुक वगैरह इन्होंने चेंज कर दी, बहुत बढ़िया कर दी। 2200 cc का इंजन कर दिया, पावर स्टीयरिंग कर दी तो, और उसके जो ये शीशे विशे हैं ये सब पावर कर दिए, क्योंकि जो पहले बोलेरो आती थी वो मेरे ख्याल से थ्री सिलेंडर में आती थी और जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन करती थी, तो शायद इस बार इन्होंने उसमें बड़ा इंजन लगा दिया होगा 4 सिलेंडर वाला। ये वाली बोलेरो ले लो तुम। कौन सी वाली? ये वाली। तो अभी सुना ही है, बाकी गाइस 2025 में ही पता लगेगा कि ऐसा है या ये खाली मिथ बना रखा है, क्योंकि एक मिथ तो हमारे सामने खुल गया फोर्ड का। फोर्ड का ये बोल रहे थे कि फोर्ड आ रही है एवरेस्ट, तो अभी तक एवरेस्ट वाले तो भाई मना कर रहे हैं, फोर्ड वाले मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ रही फोर्ड की, और अगर आनी होगी तो वो मार्च में आ जाती, मार्च नहीं तो वो लास्ट उन्होंने बता रखा है नवंबर, कि नवंबर तक हो जाएगा जो भी कुछ क्लियर होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने का। तो ऐसी कुछ मिथ हैं ये लोगों की, बाकी देखते हैं जैसा भी कुछ होगा। अभी तो चलते हैं अपना शोरूम पे। और आर यू एक्साइटेड मैट? नो, नहीं नहीं तो चलते हैं भाई गाइस। सो भाई मैट, थार को देख के आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल मान ली भाई। बढ़िया लगी। सो भाई गाइस, अभी फाइनली हम आ गए थे और ये देखो सामने गाड़ी है अपने, बाकी अभी देखते हैं टेस्ट ड्राइव का सीन बनाते हैं कुछ, अगर टेस्ट ड्राइव का सीन बन जाता है तो टेस्ट ड्राइव ले लेंगे। बाकी ये कलर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सामने वाइट आई है, वाइट देखते हैं अभी टेस्ट ड्राइव लेके। आज टेस्ट ड्राइव के लिए थी काफ़ी लंबी भीड़, तो हमने सोचा कि कल करेंगे टेस्ट ड्राइव, क्योंकि आज लगने वाला है काफ़ी टाइम। क्यों मेट? है ना चल नहीं पानी गाड़ी लेके, मैंने फीचर देख लिया उसका, चल नहीं पानी क्यों? अच्छा जी, तो भाई कल आएंगे, कल करेंगे टेस्ट ड्राइव इसकी, क्योंकि आज काफ़ी लंबी लाइन है और 1.5 घंटा बताया उन्होंने हमें कि 1.5 घंटा लगेगा टेस्ट ड्राइव करने में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया कल आ जाते हैं, कल कर लेते हैं। फाइनली भाई देख के आए गाड़ी थार रॉक्स, और सच बताऊँ मैं आपको भाई, गाड़ी देखने में ना मुझे बस सो सी लगी वो, और टेस्ट ड्राइव आज हम ले नहीं पाए उसकी, टेस्ट ड्राइव मिलेगी उसकी कल। मैट को भी ठीक ठाक ही लगी और मुझे भी ठीक ठाक ही लगी, लेकिन इतने पैसे भी इतना ही मिलेगा, वही बात है कि अगर पैसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भाई बढ़िया चीज़ मिलेगी, और जितने पैसे हैं उसके तो उस हिसाब से उतने की मिलेगी। बाकी मुझे अभी मैं रुकूंगा जनवरी तक, जनवरी या फरवरी तक, क्योंकि जनवरी फरवरी में नई गाड़ी लॉन्च होंगी, ठीक है, और वो बहुत बढ़िया होने वाली हैं, ठीक है। बाकी गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा सा काम है अपना ऑफिस में, मैं भी काम कर लूँगा और मैट भी जा रहा है, ठीक है, और बस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।